गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय मसीह की। और आज के सुबह का जो डिवोशन है उसका शीर्षक है हमारे जीवन में प्रथम क्या है। बचपन में हम पजल के साथ खेलते थे, मतलब किसी चित्र का अलग अलग टुकड़े होते थे, उन टुकड़ों को हम जोड़ते थे और फिर उससे एक सुंदर चित्र बनता था। अगर सोचिए उस चित्र के टुकड़े सही जगह पर अगर हम ना रखें तो क्या वो सुंदर चित्र बन पाएगा? कभी भी नहीं। उसी प्रकार से एक विश्वासी को ये देखना जरूरी है कि उसके जीवन में प्रथम क्या है। क्या उसके जीवन में प्रथम परमेश्वर है या दूसरी वस्तुएं हैं? अगर उसके जीवन में परमेश्वर छोड़ के दूसरी वस्तुएं प्रथम है, दूसरी वस्तु ने प्रथम स्थान ले लिया है, तो उस व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर की परछाई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि दूसरी वस्तुओं ने उसके दिल पर मानो राज कर लिया है। और ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक विश्वासी के मन में पहला कौन है, परमेश्वर है या अन्य वस्तुएं हैं? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक सवाल है मेरा आपके लिए कि मनुष्य के छुटकारे की योजना उत्पत्ति के पहले बनी या उत्पत्ति के बाद बनी? आइए एक वर्ष को हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय और वचन 8 में लिखा है, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय घात हुआ। यानी मनुष्य के छुटकारे की योजना परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले बना ली थी यीशु मसीह के साथ मिलकर। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को हर एक प्राणों के ऊपर बनाया और इतना बड़ा अहदा दिया है यीशु मसीह के द्वारा। तो हमें भी ये जांचना जरूरी है कि हमारे जीवन में प्रथम कौन है, परमेश्वर है या अन्य वस्तुएं हैं? हाँ, हमारे रोज़मर्रा के काम है, भाग दौड़ है, ये सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों को परमेश्वर अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो वैयक्तिक समय होता है, जो वैयक्तिक संगति होती है, वो क्या हमारे परमेश्वर के साथ है? क्या हमने अपने हृदय के गद्दी पर परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है? जब एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम नहीं रखता बल्कि अन्य वस्तुओं को प्रथम रखता है तो उसका भरोसा भी उन वस्तुओं के ऊपर बैठता है। वो व्यक्ति उन वस्तुओं से भरोसा करने लगता है कि ये वस्तुएं मेरे जीवन में शांति देंगी, मुझे आशीषित करेगी, मुझे संभालेगी, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर प्रथम नहीं है। और हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जब गिरते हैं तब वो उठ नहीं पाते, वो पूरी तरह से बिखर जाते हैं। और इसी कारण यीशु मसीह मनुष्य को सुझाव देते हैं, मनुष्य को समझाते हैं कि तुम्हारा ध्यान पहले परमेश्वर पर होना चाहिए, तुम्हारे मन में सबसे पहला स्थान जो है वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। जैसे किसी ट्रेन में एक सीट होती है रिजर्व की, उस पर कोई नहीं बैठ सकता, सिर्फ वो व्यक्ति ही बैठ सकता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी, हमारे दिल में भी रिजर्व किया हुआ स्थान सिर्फ परमेश्वर के लिए होना चाहिए। और यीशु मसीह मत्ती 6:33 में इस प्रकार से कहते हैं कि इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें दी जाए। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है तब परमेश्वर उसके जीवन को आशीषित भी करता है और उसको लगने वाली हर एक जरूरतों को वो अद्भुत तरीके से पूरा भी करता है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे। और हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन से कि यीशु मसीह के जीवन में वो यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान देते थे। प्रार्थना करना हो, वचन बांटना हो, लोगों से वचन के विषय में बातचीत करनी हो, हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान देते थे। इसलिए उनका जीवन इतना प्रभावशाली भी था और सामर्थ्यशाली भी था। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है तब उसका जीवन परमेश्वर बलवंत करते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि काम नहीं करना है, काम को मतलब इग्नोर करना है, ये सारी बातें नहीं, बट जो मैं बात कर रहा हूँ एक व्यक्तिगत संबंध की, जो होना चाहिए वो हमेशा हमारा परमेश्वर के साथ में होना चाहिए और हमारे दिल में हमेशा परमेश्वर के लिए ही प्रथम स्थान होना चाहिए। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर कहीं पर भी ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर को छोड़ और किसी वस्तुओं ने स्थान ले लिया है तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो वस्तु आपके जीवन से निकले और उस वस्तुओं में, उस जगह पर परमेश्वर प्रथम आए। इस सुबह के समय यीशु मसीह आपको आशीष करे। आमेन। गॉड ब्लेस।